हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक मसाला जो हम हर सब्जी में डाल सकते हैं। इसके लिए हमें लगेगा धनिया। धनिया को अच्छे से हम लोग रोस्ट कर लेंगे। इसको अच्छे से हम लोग देखिए रोस्ट कर रहे हैं, अच्छा सा स्मेल आने लगेगा। स्मेल फिर देखिए ये सब हम लोगों ने रखा है, ये भी हम लोग डालेंगे। इसमें जीरा है, बड़ी सौंफ है, तिल है, खसखस है, सरसों है, लवंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी सब है और तेजपत्ता भी है। और ये है लाल मिर्च, डाल दिया हम लोगों ने इसके अंदर। डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे, पूरे रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। फिर इसमें हम डाल रहे हैं बड़ी सौंफ, तिल, ये खसखस है और सरसों है, ये है जीरा है। और अभी डालेंगे हम मसाला जिसमें है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लवंग, दालचीनी और तेजपत्ता। इसको डाल के हम लोग अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अच्छी से फ्लेवर, अच्छी से खुशबू आ रही है मस्त। देखिए हम लोग फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे रोस्ट करने के बाद। फिर हम इसमें मिक्सर में डाल के उसको ग्राइंड कर लेंगे, एकदम दरदरा पीस लेंगे एकदम। देखिए कैसे पीस लिया इसको हम लोग ने, फाइन पाउडर हो चुका है। फिर इसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ये मसाला 6 महीने से लेके 1 साल तक रह सकता है। स्टोर करके रखोगे तो कुछ ख़राब नहीं होता। हर सब्ज़ी में आप डाल सकते हो, कोई भी सब्ज़ी हो उसमें हम डालोगे तो